आज हम बुक के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है और ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे और कुछ बच्चों के फ़ोन भी आ चुके हैं मुझे कि सर बुक कौन सी हम रेफ़र करें, कौन सी बुक यूज़ करें, तो उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दो। तो दोस्तों मैं कुछ बुक्स यहाँ दिखाने वाला हूँ, जो बुक उसकी जो विशेषता है वो मैं बोलने वाला हूँ। तो वो बुक अगर आप लोगे जो जो मैं बताऊँगा तो आपको ज़रूर उसका बेनिफिट होगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। बुक तो ये जो फर्स्ट बुक मैं जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो ऑथर है उनका नाम भी लिखा है। तो दोस्तों ये है पीके मिश्रा। पीके मिश्रा जी की ये बुक है बीआर के लिए। तो ये एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छी है, एप्टीट्यूड इसमें अच्छा है और आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस भी इसमें दिया है। तो ये बुक एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट बुक देखते हैं, ये ड्राइंग के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल बुक नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने जो इसमें से जो देखा है तो ये ड्राइंग के लिए बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। चलो नेक्स्ट बुक देखते हैं, ये बुक मैं इधर साइड में रखता हूँ। नेक्स्ट बुक है नाटा एंड बियार्क, सेल्फ स्टडी मटेरियल करके दी गई है। ये है उस्मानी उस्मानी सर की ये बुक है। ये भी एप्टीट्यूड के लिए स्पेशल बुक है। ये अगर आप खरीदते हो तो एप्टीट्यूड इसमें से आपको काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ। बाकी ये ड्राइंग के लिए कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, पीछे दो चार यहाँ मेमोरी ड्राइंग के कुछ दिए है, लेकिन ये नाटा के है, बीआर के लिए मुझे नहीं लगता कुछ इसमें से यूज़ है। ओके तो ये बुक फिर से बोल रहा हूँ मैं कि उस्मानी सर की ये बुक है और ये एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छी है। मेमोरी ड्राइंग के कुछ फिगर्स इसमें दिए हैं, नहीं ऐसा नहीं, और कुछ कॉम्पोजिशन भी दिए हैं, लेकिन एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट ये सेल्फ स्टडी गाइड, ये लेटेस्ट अरिहंत बुक पीके मिश्रा सर इनकी है। तो दोस्तों ये जो बुक है ये एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छी है, जनरल अवेयरनेस इसमें दिया है, लेकिन ड्राइंग कुछ भी नहीं है उसमें। हार्डली 8-10 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से होंगे, लेकिन वो कुछ ड्राइंग के लिए बिल्कुल भी मैं इसको रेफ़र नहीं करूँगा। एप्टीट्यूड के लिए मैं इसको और मैथ्स के लिए, थोड़ा सा मैथ्स है उसमें, लेकिन एप्टीट्यूड के लिए मैं इसको रेफ़र करूँगा। ये लेटेस्ट बुक है, ये हर बच्चे के पास शायद रहती ही है। ओके बुक अच्छी है पर ड्राइंग के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, ये जो बुक यहाँ दिख रही है ये अशोक गोयल सर की बुक है। इसमें इसमें मॉक टेस्ट दिए गए हैं, कम से कम 20-20 मॉक टेस्ट है। इसमें कुछ ड्राइंग्स भी दिए हैं, लेकिन ठीक है इतने कुछ बुरे नहीं हैं। जनरल अवेयरनेस के कुछ पीछे दिए गए हैं, ये भी यहाँ पर मैं बताऊँगा कुछ जनरल अवेयरनेस के बारे में दिया गया है, लेकिन मॉक टेस्ट के बारे में ये बुक काफ़ी अच्छी। आप इसको लेटेस्ट अगर वर्जन आपको मिलता है तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पुराने हैं
लेकिन लेटेस्ट अगर मिलता है तो ये आप जरूर खरीद सकते हो। नेक्स्ट ये नाटा के लिए है, इसमें जनरल अवेयरनेस है और कुछ ड्राइंग के भी थोड़े बहुत ड्राइंग्स दिए हैं इसमें। बाकी तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन स्केचिंग के लिए थोड़ी बहुत अच्छी है। इसमें मेमोरी ड्राइंग के लिए कुछ स्केचेस वगैरह दिए हैं। बेसिक प्रैक्टिस के लिए आप इसको ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस के लिए और एप्टीट्यूड के लिए थोड़ी बहुत यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बुक है ये नाटा बियार्क की बुक है। ये बुक आप देख सकते हो, उसका नाम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ड्राइंग के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। ड्राइंग के बारे में इसमें थोड़ा बहुत डिटेल दिया है, ये फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, लास्ट में कुछ ड्राइंग्स निकाल के दिखाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक ड्राइंग के लिए, मैं इसको रेफर करूँगा। आप इसमें थोड़ा डिटेल दिया है कंपोजिशन के बारे में भी और ड्राइंग के बारे में भी, तो ये बुक मैं ड्राइंग के लिए आपको रेफर करूँगा। ओके, तो ये बुक का नाम आप देख सकते हो। दोस्तों ये सारे जो बुक्स मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे पास का कलेक्शन है, ना कि इसके मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। मैं आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पर ये सब दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो बुक है मेरे पास ये स्केचिंग एंड ड्राइंग, नाटा बियार्क के लिए स्केचिंग एंड ड्राइंग, ये सेल्फ स्टडी गाइड आर्किटेक्चर ऐसा दिया है, ये आप देख सकते हो। अगर ये आपको मिलती है तो ज़रूर इसको आपने लेना चाहिए। इसमें ड्राइंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, ड्राइंग है, उसके बाद में पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी डिटेल दी गई है। तो दोस्तों एक लास्ट बुक मैं आपको दिखाऊंगा जो नाटा के लिए यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो बुक है इसका अगर नया वर्जन आपको मिलता है तो ये बुक जीके के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी और ड्राइंग के लिए भी इसमें कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस। इसमें कलर थ्योरी के बारे में भी बोला गया है, जनरली सभी थोड़ा थोड़ा है इसमें। टेक्सचर के बारे में बताया गया है और ये जीके के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ये मैं मानता हूँ। तो दोस्तों ये सारे बुक के बारे में मैंने जानकारी आपको दी। ये बुक में जो भी आपको अवेलेबल होते हैं, जो मिलते हैं, वो आपने ख़रीदने चाहिए और स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों को ड्राइंग और एप्टीट्यूड के बुक्स के बारे में बताया, उसमें अरिहंत और ये सब बुक्स आपको बताई है, तो वो बुक आपको सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी है, वहाँ से आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगी। पर आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम चाहिए, मोर प्रॉब्लम चाहिए, तो आपको मॉक टेस्ट ट्राई करनी चाहिए, जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो ट्राई करनी चाहिए। तो ठीक है, मैं ज़रा अब हमारे मुद्दे पे आता हूँ। तो वो है मैथमेटिक्स की कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। देखो मैथमेटिक्स के लिए कोई भी बुक रेफ़र करो, जैसे कि NCERT एग्जाम्पलर है, इजीली डाउनलोड डाउनलोड हो सकते हैं डाउनलोड इंटरनेट से, या फिर बोर्ड्स की जो बुक है आपकी वो देखो, और वहाँ से मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है, जो चैप्टर एक्सरसाइज रहती है आपकी, वो सॉल्व करो शॉर्टकट के साथ, ठीक है। दूसरी बात है, एक मेरी पसंदीदा बुक है, जनरली मैं वो रेफ़र करता हूँ, खुद भी रेफ़र करता हूँ, सिखाता भी हूँ, तो वो है मेरी RD शर्मा की बुक, जो RD शर्मा Volume 1 Volume 2 है। ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है बुक, क्योंकि इसमें आपका JEE एडवांस लेवल टच नहीं होता,
ये जनरली स्ट्रिक्टली टू जेई मेंस लेवल पर रहता है, और जो आपको सवाल आते हैं जेई बीआर को सवाल आते हैं वो जेई मेंस से लो लेवल रहते हैं। तो इसके अगर आपने कुछ 50-60 क्वेश्चन भी बना लिए हर चैप्टर से, तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा और आपको अच्छा सा उसमें सक्सेस मिलेगा। तो आपको इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पता है कि बुक कैसे परचेस की जाती है, तो ये इसका वॉल्यूम 1 पार्ट है। इसमें आपको अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा, और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस ये सब पार्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। और इसका एक सॉल्यूशन सेट भी आता है जो जनरली बच्चों के पास होता ही होता है, तो वो इसका सॉल्यूशन सेट है। तो ये बुक है जो जनरली मैं खुद रेफर करता हूँ क्योंकि मैं जेई मेंस के लेवल तक सिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको और भी बुक्स चाहिए तो आप टाटा मैग्रो हिल की बुक भी बहुत अच्छे से देख सकते हो, या फिर विलिस पब्लिकेशन की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है जेई मेंस पेपर 1-2 के लिए। आपको क्या करना है, वहाँ से आपको जो बीआर के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करने हैं। ज़्यादा इनडेप सवाल लाइक जेई मेंस पेपर 1 के सवाल देखने में कोई हर्ज नहीं है, पर उसमें टाइम वेस्ट मत करो उसको। आप हमारा जो काम है वहाँ लो और वहाँ से निकलो, एक 50-70 क्वेश्चन भी बना लिए तो हो जाता है। तो यही रिकमेंडेशन था बुक का। तो अरे नहीं होता है ये भी, वो बुक आपको थोड़ी भी हार्ड लगती है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर सॉल्व कर लेना, कम से कम उतना तो कर लो, क्योंकि अभी 40-50 डेज है हाथ में, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है, ये सब चालू है, तो इसी का बेनिफिट लो। और मैथमेटिक्स के लिए जो मैंने 2 बुक बताई है वो ज़रा उसके बारे में सोचो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।